जिला फरीदाबाद की NIT 3 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका डॉक्टर अविनाशा शर्मा का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। करीब 13 साल बाद जिले की किसी अध्यापिका का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। बता दें कि इन्हें 5 सितंबर को विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से निमंत्रण भी दिया गया है। बता दें कि अविनाशा शर्मा को यह सम्मान राजकीय विद्यालयों की शिक्षा के स्तर को बनाने और बोर्ड के साथ मिलकर 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र, लेसन प्लान, प्रैक्टिस पेपर और पाठ्यक्रम निर्धारण में सहयोग करने के लिए दिया जा रहा है। वहीं अविनाशा शर्मा का कहना है कि वे हरियाणा शिक्षा विभाग के साथ 10 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पलवल से की थी। निसंदेह ये एक अविस्मरणीय क्षण था। हर एक शिक्षक इस चीज की कामना करता है कि उसके जो अथक प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं एक मूर्त रूप ले, और जब वो क्षण आया मैं वाकई में बहुत खुश थी। लगा कि एक दशक का जो काम है वो बहुत दूर तक बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने वाला है। मैम, किस तरह की आपको बधाइयां और फोन आने शुरू हुए? बहुत ही सुंदर मोमेंट था और मैं आज अभी भी उस पल को जी रही हूँ। पिछले 2 दिन से व्हाट्सएप हैंग हो चुका है मेरा, मैसेजेस फ्लडेड आ रहे हैं, और एक मैं अच्छी चीज़ महसूस कर पा रही हूँ कि अगर कोई इंसान आपके बारे में सिर्फ मुबारकबाद लिखने की बजाय आपके प्रयासों के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करता है, तो वहाँ एक 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 इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि अगर मैं भी उनकी जगह हूँ तो कहीं ना कहीं वो तह दिल से खुश हैं, इसलिए वो मेरे लिए कुछ लिख पा रहे हैं। और जब मैं उनको ये कहते हुए सुनती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अविनाशा मैम ये आप नहीं हमें अवार्ड मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं एक जन जन की आवाज बनने में कुछ कामयाबी हासिल कर पाई। कब आपको इस अवार्ड के लिए बुलाया गया? हमें 3 सितंबर को बुलाया गया है, शाम 5 बजे तक हमें रिपोर्ट करना है, और अशोका होटल दिल्ली में है, वहाँ पे हमारे स्टे की व्यवस्था रहेगी, और उसके अलावा 4 तारीख का रिहर्सल का प्रोग्राम रहेगा और 5 तारीख को अवार्डिंग सेरेमनी है। विज्ञान भवन में होगा? हाँ जी, ये विज्ञान भवन में रहेगा। वहीं प्रिंसिपल परेश गुप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके विद्यालय की टीचर अविनाशा शर्मा ने जहां उनके स्कूल का नाम रोशन किया है, वहीं उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करते हुए दूसरे शिक्षकों को भी प्रेरणा दी है, जिसके लिए वे उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर अविनाशा शर्मा हमारे विद्यालय में इंग्लिश की लेक्चरर के पद पर तैनात हैं, और मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे विद्यालय से एक अध्यापिका ने इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा गौरव स्कूल को भी पहुंचाया है और खुद भी प्राप्त किया है। ये ना केवल मेरे लिए, विद्यालय के लिए, बल्कि शिक्षक समाज के लिए भी गर्व की बात है, और मैं उनको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर अविनाशा ने हमारे विद्यालय में और बल्कि जिले के लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी इन्होंने कुछ मॉड्यूल्स तैयार करे, उन मॉड्यूल्स में कुछ वीडियो लेसन्स भी तैयार करे, जिनके माध्यम से लैब के अंदर इंग्लिश लैब है, जैसे हमारे आजकल हरियाणा सरकार के सौजन्य से हर विद्यालय में, बहुत सारे विद्यालयों में इंग्लिश की लैब्स खुली हुई हैं, उसके अंदर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी दी जाती है, तो वहाँ प्ले वे मेथड के साथ नए नए तरीके से इन विद्यार्थियों को एजुकेशन दी जाती है, जिससे कि बच्चों का मन लगता है पढ़ने में। तो ये कन्वेंशनल एजुकेशन से थोड़ी डिफरेंट भी है और थोड़ा अच्छा भी है। तो उस काम के अंदर अविनाशा जी ने एक मॉड्यूल तैयार किया जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होता है। इन्होंने SCERT और NCERT में भी कुछ वीडियो लेसन्स तैयार करके भेजे, भिवानी बोर्ड के लिए भी ये कुछ लेसन्स तैयार करके भेजती थी, जिससे प्रैक्टिस लेसन्स होते हैं। जो इन्होंने शिक्षा जगत के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, और इसीलिए डॉक्टर अविनाशा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। आपको बता दें कि अविनाशा शर्मा राजकीय विद्यालयों के शिक्षा की भाषा पर पकड़ बनाने के लिए साल 2018 में राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय NIT 5 में अंग्रेजी के अध्यापक रहते हुए प्रदेश की पहली लैंग्वेज प्रयोगशाला स्थापित की थी। इनके इस प्रयोग को हरियाणा के अन्य जिलों में अपनाया गया था। पंजाब केसरी TV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।